कल आप लोगों ने देखा कि सरकार ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और आज ही अखबारों में ये सूचना आई कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृहमंत्री 7 तारीख को चाईबासा आने वाले हैं। महज यह संयोग नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी का डर है कि विगत 3 वर्षों में इस राज्य ने जिस प्रकार के कार्यक्रम तय किए, जिस प्रकार के रास्ते को चुनने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें लोगों ने जीतने का काम किया और उसके बाद इस राज्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रहा है, जो कार्यक्रम किया गया केंद्र सरकार द्वारा, उससे इस राज्य की जनता उद्वेलित है। आपने देखा होगा कि इस राष्ट्र का जो मातृ उद्योग जिसको कहा जाता था, मदर ऑफ इंडस्ट्री, वो किस प्रकार पिछले 8 वर्षों में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन करा रहा है और हमको लगता है कि 1 वर्ष से तो वो मृत प्राय हो चुका है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेन डेड की स्थिति में। लोगों को न्यूनतम जो मजदूरी तो छोड़ दीजिए, उनके जो सरकारी तनख्वाह को तो छोड़ दीजिए, दाल रोटी नून चावल के भी पैसे नहीं। वैसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि आगामी लोकसभा का चुनाव की दिशा क्या होगी और उनका दशा क्या होगा। 16 महीने पहले उनको राजनीतिक क्लास करना पड़ रहा, वो भी ऐसे संसदीय क्षेत्र में जहां उनका कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं। उस पूरे प्रमंडल में, कोलान के प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम का हो, पश्चिम सिंहभूम हो या सरायकेला खरसावा हो। कितना रोष है लोगों के अंदर, ये बातें अब समझ में आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।